देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24 टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। गुना विकास यात्रा में भ्रष्टाचार की पोल खुलना लगातार जारी है। गुना में विकास यात्रा के दौरान भाषण दे रहे विधायक को एक युवक ने बीच में ही रोक दिया और पूरी जनता के सामने शिवराज सरकार के पूरे सिस्टम की पोल खोल कर रख दी। बीजेपी विधायक अपने भाषण में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गुणगान कर रहे थे। बीजेपी विधायक के शब्दों को सुन युवक से रहा नहीं गया और वह मंच के पास पहुंच गया। मंच के पास पहुंचकर युवक ने कहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूं। आप शिवराज सिंह को धन्यवाद मत दीजिए। युवक के इन शब्दों को सुन विधायक गोपीलाल जाटा व सहज हो उठे। इसके बाद विधायक ने युवक को बोलने से रोकते हुए कहा कि बाद में बात करेंगे। इस पर युवक ने कहा कि आप इतना डरते क्यों हो। मंच के ही पास युवक ने एक व्यक्ति को अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा कि उसके माता पिता लकवा की बीमारी से पीड़ित हैं। एक साल हो गए हैं। इस दौरान उसने सीएम हेल्पलाइन को ज्ञापन सौंपा। कलेक्टर और विधायक गोपीलाल जाटव दोनों के पास सहायता के लिए भी गए। उन्होंने 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता की बात भी कही, लेकिन बाद में उसकी कोई मदद नहीं की गई। इसी बीच विकास यात्रा के कार्यक्रम में एक बैल घुस गया। बैल को हांकने के लिए एक कर्मचारी ने मंच पर बैठे महात्मा गांधी के प्रतीक से लाठी लेकर बैल को भगाया। इस दृश्य को देखकर लोग ठहाके लगाते नजर आए। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर दमोह की जबेरा विधानसभा क्षेत्र का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें विकास यात्रा के दौरान ग्रामीण बीजेपी विधायक धर्मेंद्र लोधी को क्षेत्र में विकास कार्य न होने पर खरी खोटी सुनाते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने शिवराज सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि प्रदेश में बीजेपी की निकास यात्रा जारी है। रुकिए विधायक साहब, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। एक मिनट रुकिए आप। आप जो ना बैठाइए, फिर बाद में बात करेंगे। आप जाइए यहाँ से। हाँ तो होगी ना। हाँ बात करेंगे। एक साल मेरे आ जाइए घर पे बात करने। घर पे क्यों हम? अरे पीछे बात नहीं थी, मैं एक साल हो गया। मेरा माँ बाप मेरा लाइसेंस पीड़ित है। इनके लिए मैंने सीएम हेल्पलाइन गोपीलाल जाटव जी को मैंने ज्ञापन दिया था और कलेक्टर मोदी को भी दिया था। यहाँ के इन्होंने ये कहा कि इनको 50,000 की सहायता राशि मिलेगी, ठीक है। आज तक ना एक साल हो गई। सत्यवास के लिए मैं घर पे जाने के लिए तैयार हूँ। कोई सा भी नेता, कोई सा भी अधिकारी, कोई भी आईपीएस अधिकारी कलेक्टर महोदय तक की चैलेंज कर रहा हूँ। घर पे करके जांच पड़ताल कर ले, यदि मैं गलत हूँ जेल में बुलवा रहे।